नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 ने तो रिलीज होते ही एक बड़ा धमाका कर दिया है। 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म ने जहां ओपनिंग डे पर ही कई रिकॉर्ड्स बना डाले थे और अब दूसरे दिन भी इसका डंका बज रहा है। ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं भारतीय फिल्म बन चुकी स्त्री 2 ने दूसरे दिन 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। 16 अगस्त को वर्किंग डे होने के कारण इसकी कमाई गिरी जरूर है, पर अब भी यह काफी मजबूत स्थिति में है, जबकि वर्ल्ड वाइड इसने 2 दिनों में 100 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया है। आपको बता दें कि स्त्री 2 साल 2018 में आई इसी नाम की फिल्म का सीक्वल है, जिसमें श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव के अलावा विजय राज, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और तमन्ना भाटिया ने काम किया है। जहां प्रीक्वल में चंदेरी गांव स्त्री का आतंक से परेशान था, तो वहीं स्त्री 2 में अब सरकटे का आतंक है। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है और वो कहानी से लेकर एक्टिंग तक की खूब तारीफ कर रहे हैं। तो अब पहले 2-4 मिनट में इसकी कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्त्री के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है, ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल तो गांव में सब ठीक चल रहा होता है कि एक दिन अचानक बिट्टू यानी कि अपार शक्ति खुराना की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचाकर ले जाता है। तो वही विक्की यानी कि राजकुमार राव को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की यानी कि श्रद्धा कपूर का इंतजार है। मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना यानी कि अभिषेक बनर्जी की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इसी बीच वो रहस्यमय लड़की यानी कि श्रद्धा कपूर भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की नर्तकी प्रेमिका शमा यानी कि तमन्ना भाटिया का भी अपहरण कर लेता है और गांव के बिट्टू से कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आजादी पर बंदिश लगवा देता है, तब रुद्र, श्रद्धा, विक्की और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेते हैं। क्या इनकी चौकड़ी सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचा लिया जाता है? क्या ईश्वर विक्की को उसका प्यार मिल पाता है? इन सारे सवालों का जवाब तो आपको फिल्म देख करके ही मिलेंगे। अब आते हैं स्त्री 2 का दूसरे दिन के कलेक्शन और टोटल कमाई पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप स्त्री 2 को एक बेहतरीन फिल्म और राजकुमार राव को इस नए दौर का एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए अब लौटते टॉपिक पर और बताते हैं स्त्री 2 की ताजा कमाई का हाल। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री 2 की दूसरे दिन की कमाई करीब 42% गिर गई है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर जहां 51.80 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था, तो दूसरे दिन शनिवार को इसने सिर्फ 30 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। यह गौर करने वाली बात यह है कि 16 अगस्त को वर्किंग डे था, इसलिए कमाई गिर गई, लेकिन फिल्म अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है। 2 दिन में ही इसने देश में करीब 90.30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसमें रिलीज से पहले 14 अगस्त की रात को पेड प्रीव्यू से हुई 8.50 करोड़ रुपए की कमाई भी शामिल है। तो वही 15 अगस्त को जो कि इसका पहला दिन था, इस दिन इसने 51.80 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई की थी, जबकि दूसरे दिन यानी कि 16 अगस्त को इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 30 करोड़ रुपए ही कमा पाई। अब तक इसकी कुल कमाई 90.30 करोड़ रुपए हो चुकी है। आपको बता दें कि स्त्री 2 अभी से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। इस फिल्म का बजट सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लेकिन फिल्म जिस तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है, यह सोमवार तक 5 दिनों में देश में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आगे रविवार को वीकेंड की छुट्टी है, जबकि सोमवार यानी कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन की आंशिक छुट्टी है। ऐसे में थिएटर्स में लोगों के फुटफॉल बढ़ने के बहुत चांस हैं। वहीं अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो 2 दिनों में ही स्त्री ने करीब 112 रुपए कमा लिए हैं। फिल्म काफी तेजी से बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। स्त्री 2 ने उम्मीद से बहुत आगे बढ़कर परफॉर्म किया है और गदर 2, टाइगर 3, जवान और पठान जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है।
बेशक स्त्री टू को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का भी फायदा मिल रहा है, पर एक बार फिर ये साबित हो गया कि कंटेंट ही किंग है। कहानी में दम नहीं तो बड़ा से बड़ा स्टार भी उसे बचा नहीं सकता। शायद यह भी एक वजह है कि बॉक्स ऑफिस पर स्त्री टू के आगे उसके साथ रिलीज हुई वेदा और खेल खेल में का जलवा फीका पड़ गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्त्री टू आगे चलकर बॉलीवुड की एक और 1000 करोड़ फिल्म बनती है या नहीं। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी फिल्म स्त्री टू के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अभी के अभी कर ले। आपके इस छोटे से फेवर से हमें आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।